नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। आजमगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए हमारे वेब पोर्टल पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज। जिले के तहसीलों पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादों के मामले को निस्तारण मौके पर पहुंचकर कैसे होता है इसकी वानगी देखने को मिली। सदर तहसील में जहां आदेश के बाद भी आज तक भूमि पर कब्जा खाली नहीं कराया गया, पीड़ित ने कब्जा खाली कराने के लिए कुल 107 प्रार्थना पत्र दिए हैं। हर बार टीम का गठन होता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सदर तहसील के मुबारकपुर के गधाड़ा गाँव निवासी अंजलि का आरोप है कि उनकी भूमि पर चक पर विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है। इस मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट से जमीन व चकमार्ग से धारा 24 के तहत अतिक्रमण को हटाने का आदेश लेकर पहुंची। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में मौके पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची, लेकिन कब्जा खाली नहीं कराया गया बल्कि विपक्षियों से स्वयं खाली करने को कहा गया। हालत यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़िता का कब्जा खाली नहीं हुआ, जिससे परेशान पीड़िता ने आला अधिकारियों से लगाया तहसील दिवस में 107वां प्रार्थना पत्र देकर कब्जा खाली कराने की मांग की। पीड़िता का कहना है कि अधिकारी जाते हैं और हवा हवाई कब्जा खाली कराते हैं। वहीं एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि इस मामले में चकमार्ग से कब्जा खाली कराने का आदेश हुआ था। इस मामले में नायब तहसीलदार से स्वयं कार्रवाई की, अतिक्रमण को हटाया गया लेकिन कुछ मिट्टी इनके चक पर रह गई। इसके अलावा नायब तहसीलदार को नामित किया गया है, वे मिट्टी हटवा कर प्रकरण को निस्तारण कराएंगे। क्या मामला है आपका? मेरा जमीन और चकमार्ग दोनों पे अवैध कब्जा है। कौन लिखती है? विपक्षी जयप्रकाश ओम प्रकाश, पुत्रगढ़ सुरेश। शिकायत अब किसी की? मैं 107वां प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ सारी जगह दे, कमिश्नर साहब के यहाँ दिए, एसडीएम साहब को दिए हैं, लेखपाल को दिए हैं, नायब तहसीलदार मौके पे गए भी थे ये लोग, लेकिन हवा हवाला दे के चले आए, खाली नहीं करवा रहे हैं। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं न्याय मिले, खाली हो जाए। क्या वो लोग दबंग है क्या? जो कब्जा? हाँ, दबंग है। कहीं से सुनवाई नहीं है? कहीं से सुनवाई नहीं, पैसे खा के ये लोग शांत हो जा रहे हैं। सर, एक मामला है, देखिए अंजलि पत्नी आनंद की दरखास्त कई आई हैं। चक्रोड से बेदखली के लिए आदेश हुआ था, जिसके क्रम में नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण हटवाया गया था लेकिन कुछ मिट्टी इनके चक पर पड़ी हुई है जो उनके द्वारा नहीं हटाया गया है, दूसरे विपक्षी द्वारा, उसी को लेकर विवाद है। नायब तहसीलदार को जो है नामित किया गया, वो मिट्टी हटवा करके प्रकरण का निस्तारण कराएंगे। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।